नमस्ते बच्चों, आपका मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रज्ञा प्रवाह की व्याकरण अभ्यास पुस्तिका, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 लिंग, जिसे बोलते हैं जेंडर। मैंने क्लास 3 में भी आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। लिंग होता क्या है, मतलब जिस शब्द में स्त्री जाति तथा पुरुष जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं, ठीक है ना। हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इसमें दिया है, आज त्यौहार है, सभी भैया बहनें अलग अलग समूह में नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें दिया है, छोटी छोटी, यहाँ छोट लिखा है, यहाँ पे छोटी छोटी आएगा, यहाँ पे छोटी छोटी बहनें नृत्य कर रही हैं, छोटे छोटे भैया नृत्य कर रहे हैं, नृत्य मतलब नाच रहे हैं, ठीक है ना, डांस कर रहे हैं। दीदी जी पढ़ा रही हैं, आचार्य जी पढ़ा रहे हैं, गाय दूध दे रही है, बैल खेत जोत रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, इसमें उपयुक्त चित्रों में पुल्लिंग पुरुष जाति तथा स्त्रीलिंग स्त्री जाति से संबंधित चित्रों को दर्शाया गया है। मतलब इसमें पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है। जो पुल्लिंग है वो पुरुष जाति का बोध कराता है, मैंने अभी बताया आपको, जो स्त्रीलिंग है स्त्री जाति का बोध कराता है, ठीक है। जैसे इसमें दिया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, भईने भैया, माता पिता, गाय बैल, ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गए और ये पुल्लिंग हो गए। अर्थात लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह होता है, ठीक है। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं, ये डेफिनेशन हो गई आपकी, ठीक है। अब देखो नीचे, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे इसमें दिया है, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा बेटा। देखो, लड़का लड़की, राजा रानी, तेली तेलिन, पहाड़ पहाड़ी, दास दासी, बकरा बकरी, डिब्बा डिब्बी या डिबिया, बूढ़ा बुढ़िया, बालक बालिका, नायक नायिका, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, पुजारी पुजारिन, ठाकुर ठाकुराइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तपस्वी तपस्विनी, नेता नेत्री, भाई बहन, गुणवान गुणवती, कवि कवित्री, वर वधू, नर नारी, अभिनेता अभिनेत्री, घोड़ा घोड़ी, जूता जूती, अध्यापक अध्यापिका, आचार्य आचार्या, रस्सा रस्सी, श्रीमान श्रीमती, विद्वान विदुषी, ठीक है। ये कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, इसको आप खुद पढ़ना, ठीक है। देखो इसमें, कुछ संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रहती हैं, उन्हें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाने के लिए नर या मादा शब्द लगाते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि पुल्लिंग पुल्लिंग रहेंगे, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग रहेंगे, उसके आगे जैसे हमने राजा लिखा तो हमने रानी बना दिया, ठीक है ना, तो इसको पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना दिया। बट कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हम उस तरह को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं बना सकते, उसके आगे, उस शब्द के आगे हम नर या मादा लिखते हैं। नर मतलब क्या होता है, पुल्लिंग, और मादा मतलब होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे इसमें भेड़िया, ठीक है, मादा भेड़िया, चीता मादा चीता, मतलब क्या हो गए, ये हो गया पुल्लिंग और ये हो गया मादा, ये स्त्रीलिंग। तो अगर हम इसे चीता चीती नहीं ले सकते, इसमें क्या लिखेंगे, इसके आगे शब्द के हम मादा लगा देंगे, ठीक है। कोयल नर कोयल, मछली नर मछली, ये कोयल क्या है, स्त्रीलिंग है, मछली क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। मक्खी भी स्त्रीलिंग है, और ये पक्षी भी क्या है, पक्षी हो गया हमारा पुल्लिंग, तितली स्त्रीलिंग। इसी तरीके से देखो यहाँ लिखा हुआ है, कोयल नर कोयल, मछली नर मछली, मक्खी नर मक्खी, पक्षी मादा पक्षी, तितली नर तितली, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, अभ्यास के लिए अभ्यास कार्य। अब देखो कैसे करना है, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये प्रश्न दिया हुआ है, लिंग शब्दों से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसका उत्तर आपको लिखना है। मैंने यहाँ पहले लिख लिया है, यहाँ पर आज लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह होता है, ठीक है। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं, ठीक है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो दो उदाहरण भी लिखिए। इस आंसर में आपको लिखना है, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
जैसे इसका एग्जांपल है लड़का राजा, ये पुल्लिंग हो गया, इसका हमने स्त्रीलिंग में लिखना है, ठीक है। लड़का का लड़की और राजा का रानी, यहाँ पे उदाहरण दोनों लिख दिए हैं। तो ये काम आपको क्या करना है, कॉपी में करना है, हिंदी की ग्रामर कॉपी में, ठीक है। ये काम आपको करना है। देखो बेटा प्रश्न दो में अधोलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। इसमें दिए हुए हैं और इसमें हमें शब्द दिए हैं, हमें इसको लिंग बदल के, अगर जो स्त्रीलिंग होगा उसको पुल्लिंग लिखना है, जो पुल्लिंग होगा उसका हमें स्त्रीलिंग लिखना होगा, ठीक है। जैसे इसमें दिया है मोर, यहाँ लिखेंगे मोरनी, कवि कवित्री, अध्यापक अध्यापिका, विद्वान विदुषी, पुरुष स्त्री, हाथी हथिनी, पंडित पंडिताइन, पति पत्नी, नायक नायिका, गायिका गायक, विधुर विदुषी, प्रिया प्रिये, नौकर नौकरानी, घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी, बूढ़ा बुढ़िया, अभिनेता अभिनेत्री, डिब्बा डिब्बी, स्वामी स्वामिनी, शिक्षिका शिक्षक, रस्सी रस्सा, जूता जूती, धोबिन धोबी, पहाड़ी पहाड़, सास ससुर, गुणवान गुणवती, ठीक है। इस तरीके से लिंग बदल के आपको लिखना है ये बुक में। प्रश्न चार, अधोलिखित शब्दों के सही विकल्पों पर सही का चिन्ह लगाएं, ठीक है। इसमें कुछ शब्द दिए हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग करके, जो स्त्रीलिंग है उसमें स्त्रीलिंग पर टिक मार्क करना है, जो पुल्लिंग है उसमें पुल्लिंग पर टिक मार्क करना है, ठीक है। कौवा क्या है, स्त्रीलिंग है। मछली ये भी स्त्रीलिंग है। पंडित ये पुल्लिंग है, इस पर टिक मार्क करना है। अध्यापिका ये स्त्रीलिंग है। लोटा ये पुल्लिंग है, ठीक है ना, राइट का निशान लगाना है। अब प्रश्न पाँच, अधोलिखित शब्दों का मिलान सही शब्दों से कीजिए, ठीक है। ये शब्द दिए हैं, हमें मिलान करना है। बंदर का बंदरिया, कवि कवित्री, ससुर सास, भाई बहन, सुनार सुनारिन, चिड़ा चिड़िया, सर्प सर्पणी, विद्वान विदुषी, ठीक है। इस तरीके से ये अभ्यास कार्य आपको अपनी बुक में करना है, और जो प्रश्न उत्तर है वो आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है बेटा।